चर्चा के निचोड़ में यह है कि पूरे देश भर के लोग जो अलग अलग खंड खंड हैं
जैसे भारत में जात है मजहब है धर्म है और पूरे भारत में हजारों जातियां हैं उन जातियों के चलते मजहब है मजहब के भीतर मजहब है यानी दुनिया के अंदर में दुनिया की बात को दुनिया के बाहर के मुल्कों के ऊपर नहीं बोलते लेकिन अपने मुल्क के बारे में मेरा कहना है कि पूरा भारतीय समाज खंड खंड है जात में धर्म मजहब में इतने तरह के खंड है और जब भारतीय समाज खंड खंड है तो चराचर जो चारों तरफ बात खंड खंड समाज है चारों तरफ पाखंडी पाखंडी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है इतने अन्याय से भरा हुआ जितना इंसान जितने तरह से जितना पसीना ज्यादा भरेगा उतना ही वो आदमी छोटा होता जाएगा जितनी आदमी मेहनत ज्यादा करेगा उतना ही इंसान जो है वो इज्जत से मान से सम्मान से आर्थिक हालत से छोटा होता जाएगा नीचा होता जाएगा एक लड़ाई है महात्मा बुद्ध से शुरू होती है उसके पहले भी हो रही हो पहले तो इतिहास नहीं लेकिन महात्मा बुद्ध के जमाने से हिंदुस्तान के भारतीय समाज में जो विषमता है वो विषमता का मैंने आपको खंड खंड स्वरूप बताया उस स्वरूप में अली अनवर जी जी बोल रहे थे तो वो बीमारी अकेले हिंदू में नहीं है वो सिख में भी है वो मुसलमान में भी है वो ईसाई में बेशक आप धर्म बदल सकते हो जात नहीं बदल सकते हो यही अली अनवर कह रहा था ये विकट समस्या है बहुत विस्तार से इसमें लोगों ने बात कर रखी है लेकिन एक समस्या है जिससे महात्मा बुद्ध से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक और ये मंच में बैठे हुए लोग जूझ रहे हैं आर्थिक विषमता जुड़ी हुई है सामाजिक विषमता से फिर बात को बात समझना जो हिंदुस्तान की आर्थिक गैर बराबरी है विषमता है ये इसी से जुड़ी हुई याद रखना हर तरह का जुल्म अन्याय कदम कदम पर जो अन्याय है वही भारतीय समाज के बंटवारे के चलते ऐसी दुनिया भर में मैं नहीं उसके विस्तार में जाता लेकिन हमारा जो देश है उसमें अजीब हालत है कि सभ्यता का एक ही नियम है कि ऊपर कोई मजबूत गिर जाए तो उसको और नीचे कोई मिल जाए तो उसको धुतकार नहीं करना ऊपर आदमी मिल जाए तो उसको चाटो और नीचे मिल जाए तो उसको काटो ये है हमारे समाज की सही हमारे समाज की सही हकीकत इसे मिटाना और जो लोग हम लोग बैठे हुए हैं इसलिए ये जान लेना चाहिए कि लंबी लड़ाई है ये और ये लड़ाई इसलिए विकट भी है और ये लड़ाई हमेशा बराबर इस लाइन में कोई लक्ष्य हासिल नहीं हुआ इतने लोग लड़े हैं आगे भी लोगों की लड़ाई है आज बैठे हुए हम लोग लड़ रहे हैं लेकिन दो तरह से बहुत विस्तार से आप लोगों ने सुना याद रखना चुनौती जो है वो दो तरह की होती है एक तात्कालिक होती है
एक लंबे समय के, एक तात्कालिक चुनौती है और एक लंबे समय की चुनौती। इसमें जो समर में काम करेगा वो समाज के साथ, देश के साथ, दुनिया के साथ न्याय करेगा। जो आपने विस्तार से चर्चा की है वो लंबी लड़ाई है।